नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एनिमल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के पहले दिन किस प्रकार का धमाल किया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ही जबरदस्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर तूफान है फिल्म का, बल्कि मेरे को सुनामी है, टोर्नेडो है तो गलती नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों फिल्म 34 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ मार्केट में उतरी है, मैदान में उतरी है। 34 करोड़ सभी भाषाओं को मिलाकर के, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, लेकिन मलयालम कन्नड़ा में तो नाममात्र की एडवांस बुकिंग है, ज़्यादातर एडवांस बुकिंग हिंदी से है और बाकी तेलुगु से है। तो पहले दिन इसका कलेक्शन आप जान करके हैरान रह जाएंगे, कम से कम 60 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, 60 करोड़ का कलेक्शन कम से कम आने वाला है सभी भाषाओं को मिला करके। जो टाइगर 3 है उसको पीछे किया है, गदर 2 को पीछे किया है, और इसके अलावा दोस्तों ये जो पठान है उसका भी रिकॉर्ड ये फिल्म तोड़ने वाली है। पहले दिन का जवान से शायद पीछे रह जाए, और बाकी 60 करोड़ बहुत ज़्यादा बड़ी दोस्तों एक अमाउंट है इतना बड़ा कलेक्शन। तो 50 करोड़ तो कम से कम मुझे लगता है हिंदी वर्जन से ही फिल्म ले लेगी आराम से, आसानी से, क्योंकि 4,500 के आसपास शो है, 4,500 के आसपास स्क्रीन से फिल्म के पास, और करीब 17,000-18,000 शोज है फिल्म के पास, तो बहुत बड़ी रिलीज है। और इसका अगर ग्रोथ करें तो 60 करोड़ हो जाता है, और अगर नेट की भी बात करें तो 10 करोड़ कम से कम तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा से मिलाकर के आने वाला है। तो 60 करोड़ का सभी भाषाओं को मिलाकर के नेट कलेक्शन फिल्म करने वाली है, तो जिसका ग्रोथ हो जाता है करीब करीब दोस्तों 72 करोड़ रुपये। 72 करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन आज पहले दिन फिल्म कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर। और जहाँ तक ओवरसीज की बात करें तो ओवरसीज से भी माइंड ब्लोइंग रिस्पॉन्स फिल्म को मिलने वाला है, और 30-40 करोड़ रुपये का कलेक्शन ओवरसीज से भी आने की फिल्म की उम्मीद है। तो 110 करोड़, 100 करोड़ तो कहीं नहीं गए, 100 करोड़ तो कन्फर्म है ग्रोस कलेक्शन, 110 करोड़, 115 करोड़, 120 करोड़ भी फिल्म जा सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पठान का रिकॉर्ड टूटने वाला, पहले दिन का शायद 110 या 115 करोड़ के आसपास था पठान का, तो वो तो जाने वाला है। टाइगर 3 का भी जाने वाला है, और भी कई फिल्मों का जाएगा। जवान का 129 करोड़ का था वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन, आदि पुरुष का 135 करोड़ था, तो यहाँ तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती है देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जो मेरा प्रेडिक्शन है वो दोस्तों 110-120 करोड़ की रेंज में इसका आज पहले दिन का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन आना चाहिए। तो बवाल, धमाल, कमाल, बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख दिया है, बॉक्स ऑफिस को उड़ा दिया है, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, और पॉजिटिव रिव्यूज मिले, काफ़ी अच्छे रिव्यूज मिले, तो फिल्म जबरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है यहाँ पे रणबीर कपूर की, बॉबी देओल का भी जबरदस्त रोल है, और संदीप रेड्डी बांगा का डायरेक्शन, तो काफ़ी जबरदस्त मूवी है। संगीत, BGM, सिनेमाटोग्राफी अनिल कपूर सर, तो सब कुछ एक मिला करके एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मास एंटरटेनिंग मूवी है, तो कमाल करने वाली है, बॉक्स ऑफिस में फाड़ देने वाली है बॉक्स ऑफिस को। और आगे आपको रिपोर्ट दूंगा अगर कलेक्शन में कुछ और इधर उधर होता है तो, लेकिन फिलहाल 60 करोड़ कम से कम नेट इंडिया कलेक्शन करेगी, और वर्ल्ड वाइड 110 से 120 करोड़ का मेरा प्रेडिक्शन अभी फिलहाल है। 34 करोड़ की पहले दिन की एडवांस बुकिंग है, माइंड ब्लोइंग सुपर, RIP ऑल द रिकॉर्ड्स। बात करें सेम बहादुर की, तो सेम बहादुर का तो काफ़ी कम कलेक्शन आने वाला है, करीब 5-6 करोड़, 5-6 करोड़ की रेंज में फिल्म कलेक्शन करेगी। फिल्म का बजट ज़्यादा नहीं है, 50 करोड़ ही है, फिल्म को अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, लेकिन मास एंटरटेनिंग मूवी नहीं है, कई लोगों को पसंद आएगी, और जो ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं बायोपिक है, सेम मानिक से हमारे भारतीय थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, तो उनकी तो विक्की कौशल का दमदार परफॉर्मेंस है। ज़्यादा एडवांस बुकिंग थी नहीं फिल्म के लिए, 3 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग रही है, तो 6 करोड़ मैक्सिमम मुझे लगता है कि फिल्म आज पहले दिन अपना कलेक्शन करेगी, तो ठीक शुरुआत मानी जाएगी। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से कल और परसों फिल्म का कलेक्शन बढ़ सकता है। तो ये है दोनों फिल्मों का आज का बॉक्स ऑफिस का डाटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।